बढ़ती अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने से भाजपाई काफी खुश हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर के आगे भाजपाई चुप रहे थे, पर अब इन्हें भी कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। कांकेर शहर के पेट्रोल पंपों में पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पेट्रोल डीजल पर लिए जाने वाले 25% वैट टैक्स को कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये की कमी कर दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में वैट टैक्स में कटौती करते राहत की सीमा बढ़ाई है। दूसरी ओर यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत देने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार को बताना चाहिए कि वह किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है या फिर उसकी जनता को राहत देने की नीयत ही नहीं है। प्रदेश में सरकार पेट्रोल डीजल पर 25% वैट टैक्स वसूल रही है। इसके अतिरिक्त भी इन दोनों उत्पादों पर प्रति लीटर क्रमशः 2 और 1 रुपये अतिरिक्त लिया जाता है, जिसका सीधा असर जनता के जेब पर महंगाई के रूप में पड़ रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जनता के हित में कार्य करने का ढोंग दिखाना छोड़कर तत्काल वैट टैक्स कम करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों में प्रदर्शन किया गया है। माननीय मोदी जी के द्वारा जो वैट टैक्स कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पे, जिसके चलते डीजल पे 10 रुपये और पेट्रोल पे 5 रुपये रेट कम हुआ है, जिससे देश की पूरी जनता खुश है। लेकिन वहीं हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश की सरकार, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। यही पहले रोना रोते थे डीजल और पेट्रोल के रेट को लेके, लेकिन आज इन्होंने अपने मौका मिलने के बाद भी वेट टैक्स कम नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली के शुभ अवसर पर पेट्रोल और डीजल पे वेट टैक्स करते हुए 10 रुपये डीजल पे, 5 रुपये पेट्रोल पे वेट टैक्स कम किए। और जहाँ जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकार भी वेट टैक्स कम किए हैं। तो आज लगभग जहाँ जहाँ सरकारें 12 रुपये 15 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल में रेट कम हुई हैं और जनता से भार कम हुआ है। किंतु भूपेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वेट टैक्स कम करने का नाम नहीं ले रही है। श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रामीण अंचल में सर्वश्रेष्ठ सुविधा का संकल्प, मेडिकल सुविधाओं को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए 100 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता ऑफिसर्स पार्क, सेजबहार, रायपुर।